रामपुर गांव की गलियों में जहां शिक्षा की किरणें कमी पहुंचती है, वहां एक अद्भुत चमत्कार होता है। जब बच्चों की शिक्षा की उम्मीदें कम होती दिखाई दे रही थी, तो खुद सरस्वती माँ आकर उन्हें पढ़ाती हैं। एक समय की बात है, रामपुर गांव में मनोज कुमार चौधरी अपनी बिटिया गुड़िया के साथ रहते थे। बाबा आप कहाँ हैं? इधर हूँ बिटिया रानी, थोड़ा समय दो मुझे, गाड़ी को कपड़े से साफ कर देता हूँ जरा। बाबा मेरी सहेलियाँ इंतजार कर रही होंगी, हम लेट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, कम से कम गाड़ी का शीशा तो साफ करने दो, वरना तुम्हारे दोस्त बोलेंगे कि गुड़िया के पापा की गाड़ी बहुत गंदी है। अच्छा बेटा, तुमने सरस्वती माता की पूजा कर ली ना, और उन्हें प्रसाद भी चढ़ा दिया ना? हाँ बाबा, मैंने पूजा भी की, माँ का सुंदर से श्रृंगार भी कर दिया, अब जल्दी करिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, हम कल गाड़ी धुलवा लेंगे, आज ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब खुश। इसके बाद मनोज कुमार चौधरी जल्दी से अपनी कार में बैठ गए और गुड़िया उनके पास वाली सीट पर बैठ गई। मनोज कुमार ने कार को आगे बढ़ाया और कुछ ही दूरी पर एक गली के बाहर रोक दिया। एक छोटी लड़की कार में बैठ गई। इसी तरह वे गाड़ी को थोड़ी थोड़ी दूर पर रोकते और छोटी छोटी लड़कियां दौड़ते हुए आती और पीछे वाली सीट पर बैठ जाती। वे सब गुड़िया की सहेलियां थी। फिर कुछ देर के बाद कार एक सरकारी स्कूल के सामने रुकी और सभी लड़कियां कार से उतर गई। सभी तेजी से स्कूल की ओर बढ़ गई। तब गुड़िया ने अपने पापा से कहा, शाम को देर मत करना बाबा। ठीक है बेटा, मैं देर नहीं करूंगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करना मेरी प्यारी बेटी। हाँ बाबा, अब आप जाइए। अपनी बेटी की बात सुनकर मनोज बड़े प्यार से मुस्कुराए। मनोज कुमार चौधरी गांव के बहुत भले आदमी थे, उनके सद्व्यवहार के कारण गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। वे गांव के एकमात्र व्यक्ति थे जिनके पास कार थी। फिर भी मनोज कुमार कभी भी अपनी धन संपत्ति पर घमंड नहीं करते थे। जब गुड़िया को स्कूल छोड़ने जाना होता तो रास्ते में उसकी दोस्तों को भी साथ में ले लेते, ताकि उन्हें पैदल नहीं जाना पड़े। हालांकि मनोज कुमार की पत्नी सरिता का मिजाज थोड़ा अलग था। अजी कहाँ हो भाग्यवान, देखो मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया और वे सभी स्कूल के लिए समय पर पहुँच गए। मेरी तो कभी सुनी नहीं आपने, क्या जरूरत है हर घर में जाकर सबको स्कूल छोड़ने की। तो क्या हुआ सरिता? कुछ नहीं हुआ, आप गांव के मुखिया हो फिर भी आप ड्राइवर के काम करते रहते हो, जिनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है वो खुद उन्हें जाकर छोड़ कर आए, आपने दुनिया का ठेका लेकर रखा है क्या? ऐसी बात नहीं है सरिता, तुम तो जानती हो ना कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है और हरिया बिरजू जैसे तैसे अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं उन्हें गुड़िया के साथ नहीं ले जाऊं तो उन बेचारी बच्चियों का स्कूल ही छूट जाएगा। हाँ तो करते रहिए समाज सेवा, मेरी कौन सी सुनी है आपने जो आज सुनोगे। ओहो तुम तो नाराजी हो गई। अच्छा ठीक है, अब इन बातों को छोड़ो और जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, मुझे शहर जाना है आज। क्यों, अब फिर से किसको छोड़ने जा रहे हो? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने जाऊंगा, अपने गांव में स्कूल खुलवाने की बात करने। रामपुर गांव में कोई स्कूल नहीं था, बल्कि 7 किलोमीटर दूर प्रीतमपुरा गांव में एक स्कूल था। मनोज कुमार भी वहीं के स्कूल से पढ़े थे। मनोज लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनके अपने गांव में भी स्कूल खुल जाए, पर क्या सरकारी काम इतनी आसानी से होता है? मनोज शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में पहुंचे। देखिए मुखिया जी, मैंने कई बार आपकी अर्जी को मंत्रालय तक भेजा है पर वहां से कोई जवाब ही नहीं आता, तो हर बार की तरह आज भी मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं साहब, बस आप बात आगे बढ़ाते रहिए, बाकी हमारे बच्चों की किस्मत, ये काम आप ही करवा सकते हैं सर, गांव में ही स्कूल हो जाएगा तो हमारे बच्चों को बहुत आसानी हो जाएगी। इस बार भी मुखिया जी मुंह लटकाकर गांव वापस आ गए। वो दुखी मन से ही गुड़िया के स्कूल पहुंचे। बाबा आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो बिटिया। बाबा आप तो जानते ही हो कि हमारे स्कूल में कितने कम टीचर हैं, और आपको पता है हमारी केमिस्ट्री वाली मैडम का भी ट्रांसफर हो गया है, तो वो बस 10 दिन ही और रहेंगे। क्या, लेकिन इस बार बोर्ड की परीक्षाएं हैं तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? वही तो बाबा, आज पूरा दिन क्लास में मेरा मन नहीं लगा, आप ही बताइए सिर्फ 2 ही टीचर कैसे सभी विषय पढ़ा सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही विधायक जी से बात करने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई हल निकाल कर रहेंगे समस्या का। इस मसले को लेकर मुखिया जी ने पहले शिक्षा अधिकारी से बात की और फिर विधायक से भी बात की।
लेकिन टीचर के ट्रांसफर को रोका नहीं जा सका। और फिर जानता हूँ बिरजू कि तुम मुझसे क्या कहने आए हो। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिरजू हाथ जोड़कर वहां से चला गया। मनोज बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो मंदिर में रखी सरस्वती माता की मूर्ति के सामने बैठकर उनसे बात करने लगा। माँ, मैं ना केवल अपनी गुड़िया को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता हूँ, बल्कि इस गांव के हर बच्चे को पढ़ाई में अव्वल बनाना चाहता हूँ। अगर गांव की स्थिति ऐसी ही रही तो ये कैसे हो पाएगा माँ? मेरी मदद कीजिए माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। अरे छोड़ो ना ये सब, आप गुड़िया को शहर में किसी अच्छे स्कूल में डाल दो, वहीं हॉस्टल में रहेगी और खूब अच्छे से पढ़ाई करेगी। ये बात ठीक नहीं है सरिता। मेरे पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी ही बेटी के बारे में सोचूं। मैं इस गांव का मुखिया हूं और यहां के हर बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। तुम तो बस सरस्वती माता से प्रार्थना करो कि वो सब कुछ ठीक कर दें। सरिता मुंह बनाकर वहां से चली गई। परीक्षाएं नजदीक आती जा रही थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं थे, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी और इसे लेकर मनोज कुमार बहुत परेशान रहने लगे थे। वो दिन रात माँ सरस्वती से मदद मांग रहे थे। फिर एक दिन गुड़िया भागते हुए अपने बाबा के पास आई। बाबा, लगता है सरस्वती माँ ने हमारी सुन ली। आज ही हमारे स्कूल में एक नई मैडम आई है, वो बहुत अच्छी है। पता है उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि हमें क्लास से निकलने का भी मन नहीं करता है। अच्छा, क्या नाम है उनका और कहाँ से आई है वो? ये तो नहीं पता पापा, पर उनका नाम पता है, उनका नाम शारदा मैडम है। शारदा मैडम के आने से बच्चों के मुरझाए चेहरे एक बार फिर से खिल गए थे। कई बार तो बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद भी उनसे पढ़ते रहते और वो भी वक्त की फिक्र ना करते हुए सारे बच्चों को खूब दिल से पढ़ाती। एक दिन मुखिया जी काफी देर तक स्कूल के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन बच्चियां बाहर नहीं आई तो उन्हें चिंता हुई। वो फौरन स्कूल के अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे बच्चे ध्यान लगाकर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे और शारदा मैडम किसी सवाल को ब्लैक बोर्ड पर हल कर रही थी। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। वे मुस्कुराकर वापस लौट आए और आकर गुड़िया और उसकी सहेलियों का इंतजार करने लगे। हे माँ सरस्वती, आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने नई मैडम को भेज दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे गांव की सारी बच्चियों के अच्छे नंबर आएंगे। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। शारदा मैडम ने बच्चों के साथ खूब मेहनत की और बच्चों ने भी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। उनके बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम भी आ गए। नतीजे देखकर मुखिया जी बहुत खुश हुए। उनकी बेटी गुड़िया ने पूरे राज्य में टॉप किया था और गांव के सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। रिजल्ट देखकर उन्होंने गुड़िया को गले लगा लिया। बाबा, मेरी कामयाबी की असली वजह शारदा मैडम है, उन्हें भी उनकी मेहनत के लिए इनाम मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मैं विधायक जी से बात करता हूँ और शारदा मैडम की तारीफ करता हूँ। ये कहकर मनोज ने फौरन विधायक को फोन लगाया और फिर कहा, हेलो विधायक जी, मैं मनोज बोल रहा हूँ। मनोज, अरे आपको बहुत बहुत बधाई हो, सुना है आपकी बिटिया ने पूरे राज्य में टॉप किया है। जी विधायक जी, सब सरस्वती माँ की कृपा है। आपको गर्व होना चाहिए अपनी बेटी पर। और हाँ, हो सके तो हमें माफ कीजिएगा, हम अभी तक स्कूल के लिए केमिस्ट्री टीचर नहीं भेज पाए, पर इन बच्चियों ने इतना नाम कर दिया है तो बहुत जल्दी टीचर की व्यवस्था हो जाएगी। विधायक जी की बात सुनते ही मुखिया जी का सर चकरा गया। उन्होंने तुरंत शिक्षा अधिकारी को फोन लगाया। मुखिया जी, मुबारक हो, बिना टीचर के ही आपकी बच्चियों ने तो कमाल कर दिखाया। क्या, तो फिर शारदा मैडम वो कौन है? हमें तो लगा था कि आपने उन्हें भेजा था केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। कौन शारदा मैडम? अरे मुखिया जी, प्रीतमपुरा के स्कूल के लिए फिलहाल 2 ही टीचर हैं हमारे पास। हमने बहुत कोशिश की मगर कोई तीसरे टीचर का इंतजाम हो ही नहीं पाया। इस सच को जानकर गुड़िया, मनोज कुमार और सरिता सभी हैरान थे। फिर सभी लोग तुरंत स्कूल पहुंचे, लेकिन ना तो शारदा मैडम कहीं थी और ना ही उनके बारे में कोई कुछ जानता था। बाबा, सरस्वती माँ का एक नाम शारदा भी है ना? गुड़िया की बात सुनते ही मनोज को अब समझ में आने लगा। वे गाड़ी में बैठकर तुरंत घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर में रखी सरस्वती माता की मूर्ति की तरफ देखा, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसे मूर्ति का चेहरा शारदा मैडम के चेहरे जैसा हूबहू लगा।
वो समझ चुका था कि स्वयं माँ ने उसकी विनती सुन ली थी। इसमें कोई शक नहीं था कि सभी बच्चियों की नैया पार लगाने वाली शारदा मैडम और कोई नहीं बल्कि साक्षात शारदा मैया ही थी।